वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज की क्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको डेली जीके एंड करंट अफेयर्स की क्यूज का वीडियो रोज़ रात के 9 बजे मिल जाएगा और इस क्यूज में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन का टाइम होगा 5 सेकेंड। इस क्यूज का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे FB पेज जीके एंड करंट अफेयर्स को लाइक कर लें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आज की क्विज स्टार्ट करते हैं। आज की क्विज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महासंघ UWW द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में किस भारतीय पहलवान ने 86 किलोग्राम वर्ग में विश्व के नंबर एक पहलवान बन गए हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। जल्दी से आंसर दीजिए, टाइम अप। इसका आंसर है ए, दीपक पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पुलिस ने इंटरनेट की डार्क नेट जैसी आपराधिक गतिविधियों को रोकने हेतु सॉफ्टवेयर को सक्षम करने के लिए एक अत्याधुनिक लैब की स्थापना की है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, केरल राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने किसको संस्था का नया प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त किया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, क्रिस्टालिना जॉर्जी एवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अंडर 18 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीत लिया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा निम्नलिखित में से किसे हाल ही में आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन नियुक्त किए जाने की सिफारिश की गई है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, जस्टिस राजन मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस समय की फराटे धावक ने वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में 9.76 सेकंड में 100 मीटर रेस पूरी करके स्वर्ण पदक हासिल किया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, क्रिस्टियन कोलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड फिल्म शोले में कालिया का किरदार निभाने वाली कलाकार का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, विजू फोर्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शास्त्र संगीतकार के नाम पर हाल ही में एक छोटे गृह का नाम रखा गया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, पंडित जसराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जैक सिराक का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, फ्रांस। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति जैक सिराक का अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बने हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है पी, लॉन्स क्लूजनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ।
टाइम अप। इसका आंसर है ए, फ्री ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, नाइक्रोम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये जिला है पातालपुरी। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिरों की पूरी भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, तमिलनाडु राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, आंध्र प्रदेश राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी थनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, किशनगढ़ चित्रकला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होती है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, निगम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, नीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन में चीन कौन से स्थान पर है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, पहले स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, अमेजन नदी। ये थी आज की क्विज। आपकी इस क्विज में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये क्विज अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल मिलते हैं इसी टाइम नेक्स्ट क्विज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।